फ्रेंड्स, मावी भांजी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्पम। और उत्पम एक ऐसी रेसिपी है जो सभी पसंद करते हैं और झट से बनती है। और उसके लिए मैंने लिया है, ये सूजी ली है और ये बेसन लिया है। और इसको मैंने यहाँ पे लिया है खाना सोडा, जो हम मीठा वाला सोडा भी बोलते हैं। ये नमक है, ये हरी मिर्च है, शिमला मिर्ची है, ये टमाटर है और ये गाजर है, ये प्याज है। ऐड करने के लिए इसमें मैंने लिया है दही। तो अब हम चलेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब हम लेंगे एक बर्तन। अब हम बर्तन में ये सूजी डाल देंगे, ये बेसन भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। हम डालेंगे इसमें नमक, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसका बनाएंगे बैटर। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। हमारा ये बैटर तैयार हो गया। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको चलाया है मैंने। और अब हम इसको 2 मिनट तक एक साइड में ही ऐसे ही चलाते रहेंगे, इसमें हवा भर जाएगी और ये फूल जाएगा। तब तक हम ऐसे ही फेंटेंगे इसको थोड़ी देर तक। हमारे ये 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे। 10 मिनट बाद हम फिर बनाएंगे। हमें 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देते हैं। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा बैटर कैसा हुआ। हाँ, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी और डाल के हम, और अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसलिए अब हम डालेंगे इसमें मीठा सोडा। ये पहले नहीं डालते, इसको बनाने जाएंगे ना तभी डालते हैं, इसलिए मैंने अब मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, अब हमारा ये सही है। अब हम चलते हैं बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम लेंगे एक पैन, और पैन गैस पे रख के गैस ऑन कर देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल थोड़ा सा, ये बहुत कम ऑयल में बनता है। ये हमने ऑयल लगा लिया है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसमें ये बैटर डालेंगे। और हाँ, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। हम इसको इस तरह डालेंगे पहले, फिर इसको गोल गोल ऐसे बनाएंगे। इसका थोड़ा कम कर देंगे गैस, इसको गोल बिल्कुल बना लेंगे इस तरह। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, क्योंकि ये थोड़ा फूलेगा भी। ये हमने अपना तैयार कर लिया है। अब हम इसको सजाएंगे। हम इसमें सब्जियां फैलाएंगे इस तरह। पहले हम प्याज डालेंगे, शिमला मिर्ची। सब्जियां तो आप कोई सी भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। गाजर, ये बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए,
थोड़ा टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, वो अपने स्वाद के अनुसार, कम तीखा या ज़्यादा जैसा भी आप खाते हो। इस तरह से हम इसको ढककर पकाएंगे। हम इसको इससे ढक देंगे और बिल्कुल कम आंच पर इसको हम सेकेंगे थोड़ा, 2 मिनट के लिए। अब हम देखते हैं हमारा हुआ या नहीं। हाँ, हो गया। अब हम इसको पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा हो गया है। अब हम इस थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे। इससे कि उधर भी अच्छे से ये पक जाए। हम इसको फिर थोड़ा कम करके फिर इसको थोड़ा ढकेंगे। ये भाप में और अच्छे से सब्जियां पक जाएंगी। अब हम इसको देखते हैं। हाँ, हमारा ये हो गया। अब हम इसको पलटेंगे। तो पलटने का एक आसान तरीका है, इसको इस तरह इसमें लगाइए और ऐसे पलट। देखिए ये हमारा उत्पम बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें है ना चिली फ्लेक्स डाल देंगे। थोड़ा स्पाइसी लगेगा इसलिए। ये फ्रेंड्स, हमारा उत्पम बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम चटनी या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और आपको अगर ये पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।